दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार का बजट 10 लाख नौकरियों की बात की गई है। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां होगी। पुलिस शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात दोहरा दी है और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बंपर भर्तियों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 भर्तियां होगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्तियां की जाएगी और बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बिल्कुल, राज्य के सीतामढ़ी जिले में अनट्रेंड शिक्षकों को किया जाएगा सेवामुक्त। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में मांगी सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची। सीतामढ़ी जिले के सभी सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अनट्रेंड शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और यह जानकारी स्थापना डीपीओ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक ने दी है। सभी बीओ को 24 घंटे के अंदर क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने अनट्रेंड शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी आदेश पत्र से सभी बीओ को अवगत करवा दिया है। राज्य में नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। छाने मेडिकल कॉलेज के लिए लेटर ऑफ परमिशन जारी किया गया। देश में 1 लाख हुई सीटें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। देश में 6 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और इनमें 600 सीट पर छात्र छात्राएं नामांकन ले पाएंगे। इसके साथ ही अब देश के मेडिकल कॉलेज में 1 लाख से अधिक MBBS की सीट्स हो गई है और इसका अपडेट नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने वेबसाइट पर कर दिया है। हालांकि अब भी 654 मेडिकल कॉलेज दिखाए गए हैं जहां पर MBBS की 99,763 सीटें बताई गई। बिहार राज्य में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जनसुनवाई की गई। बिहार राज्य में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने जमकर विरोध किया और कहा कि 15% बिलिंग नहीं हो रही है, 15% बिल की वसूली नहीं हो रही है, 22% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। इस बोझ का हर महीने बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर डालना कितना सही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष शिशिर कुमार सिन्हा और सदस्य SC 84 ने उपभोक्ताओं का पक्ष सुना। राज्य में 3.5 लाख पदों पर होगी बहाली। 19 जिलों में मॉडल अस्पताल बनेंगे। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट जारी किया है। बजट में नीतीश सरकार ने इस साल 3,90,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की। इसके साथ ही 19 जिलों के सदर अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। राज्य सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार से भी जोड़ेगी और बिहार में इस बार का बजट 2,61,000 करोड़ रुपए का था। राज्य में महिलाओं के कमर्शियल वाहन खरीदने पर नहीं लगेगा टैक्स। 15 जिलों में बनेंगे ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। बिहार परिवहन विभाग का बजट आकार नए वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ बढ़ाया गया है और इससे सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ई वाहन पर टैक्स में छूट, 15 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने और विभाग में नई नियुक्तियां करने जैसी बातों पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैटरी चलित यान एवं इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर टैक्स में 50% की छूट दी जा रही है। वही व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाओं को तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब आदि पर 100% की छूट दी जाएगी। दिव्यांगों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी टैक्स विलोपित कर दिया गया है। राज्य में बीजेपी ने 40 सीट तक जीतने के लिए किया बड़ा खेल, नीतीश ताकते रह गए। बिहार की राजनीति में जाति प्रमुख फैक्टर है। जातिगत समीकरण के सारे राज्य की राजनीति चलती है और इस समीकरण को कई दशकों से लालू यादव और नीतीश कुमार साधकर चलते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है जिसके बारे में जानकर नीतीश और लालू की जोड़ी भी हैरान है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन अब वह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ जाते दिख रहे और उन्होंने कहा कि अब भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है, भाजपा आराम से चुनाव जीतेगी। और जदयू से अलग होने के बाद भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें घर जाकर बधाई दी और दोनों के बीच घंटों बंद कमरे में मुलाकात हुई। बिल्कुल, बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिहार सरकार विरोध करने की जगह केंद्र की योजना को लागू करें। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी कि आप केंद्र का विरोध के बजाय केंद्र की कृषि आधारित योजनाओं को सही ढंग से पूरा करने का काम करें। केंद्र की मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो कृषि का बजट का आकार मात्र 25,000 करोड़ का था और आज 2023 में यह बढ़कर 1,25,000 करोड़ का हो गया है। राज्य के पश्चिम चंपारण स्थित भितिहरवा आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पुरानी विरासतों को बचाने की जिम्मेवारी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सौंपी थी, लेकिन वो फिर से उन्हीं ताकतों के साथ हो लिए हैं जिन ताकतों से जिम्मेवारी छीनकर जनता ने सौंपी थी। कुशवाहा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बापू
कर्पूरी ठाकुर सहित अन्य महापुरुषों के उपदेश से जो विरासत हम लोगों को मिली थी वो आज बिहार में खतरे में है और इन्हें बचाने की आवश्यकता है। इन्हीं विरासतों को बचाने के लिए आज इस यात्रा की शुरुआत की गई है। उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश उन ताकतों से जा मिले हैं जिन ताकतों ने बिहार को 2005 से पहले बर्बाद कर दी थी। ये भी कहा कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा उनके लिए समापन यात्रा बनती जा रही है। बल्कि जेडीयू के नेता गुलाम रसूल के बिगड़े बोल कहा कि मुसलमान अब भी नहीं जागे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। बिहार की सियासत में भी सांप्रदायिकता के छींटे लगातार पड़ते जा रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक नेता मौलाना गुलाम रसूल बलिया भी मजहबी बातें करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर बलियावी साहब एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अगर अब मुसलमान नहीं जागे तो दूसरी कौम शान से जिएगी और उनकी औलादे अपना नाम भी नहीं बता पाएगी। हाल के दिनों में गुलाम रसूल बलियावी जिस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे उसके बाद उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का ओवैसी कहा जाने लगा है। अलकराज के कैमूर जिले में घर से भागी नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। राज्य के औरंगाबाद जिले से भागकर कैमूर जिले के मोहनिया पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में लड़की की पहचान करने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कैमूर जिले के मोहनिया शहर के अष्टुवरगंज बाजार निवासी स्वर्गीय विजय राम का 23 वर्षीय पुत्र बबलू कुमार बताया गया है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद जिला स्थित अपने घर से लड़की 25 फरवरी को भाग गई थी और जो किसी तरह भटकते हुए मोहनिया स्टेशन मोड़ पहुंच गई। मोहनिया के डीएसपी फैज मोहम्मद खान ने बताया कि एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है जिसमें आरोपी बबलू कुमार को गिरफ्तार किया गया। राज्य में होली से पहले बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए फिर से बढ़े। कॉमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगे। मार्च के पहले दिन ही देश के निवासियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। अब इनके घर के बजट में इजाफा होना तय हो गया है। अब मार्च महीने की शुरुआत होने के साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। मीडिया एजेंसी के मुताबिक 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का इजाफा किया गया है। अलखो राज्य में आज से दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। पहले आओ पहले पाओ वाला नियम चलेगा। बिहार में दाखिल खारिज की 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू हो गई है और सूबे के सभी 534 अंचलों में अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी दाखिल खारिज के मामले निपटाएंगे। यही नहीं, दाखिल खारिज में फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पहले आए आवेदन का निपटारा पहले करना होगा और आवेदनों का निपटारा क्रमानुसार करना अनिवार्य होगा। किसी भी सूरत में यह क्रम नहीं तोड़ा जा पाएगा। अभी यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 अंचलों में चल रही थी। दाखिल खारिज की नई व्यवस्था के तहत अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के बीच कार्य का बंटवारा हल्का के अंक के आधार पर होगा और सम संख्या वाले हल्का का काम राजस्व अधिकारी करेंगे, वहीं विषम संख्या वाले हल्का के दाखिल खारिज का काम अंचलाधिकारी के जिम्मे होगा।